हेलो फ्रेंड्स, आज हम सैंडविच चटनी बनाएंगे। बिल्कुल वैसी ही बनाएंगे जैसे मार्केट में मिलती है ना सैंडविच वालों के यहाँ। तो चलिए सैंडविच चटनी बनाना शुरू करते हैं। सैंडविच चटनी बनाने के लिए मैंने करीब 1 कप हरा धनिया लिया है। ध्यान रखना है धनिया में जो इस तरह की पतली डंडी होती है ना, उसको अलग नहीं करना है। इसी से ही चटनी में एक अच्छा टेस्ट आता है। और धनिया का ही चौथा हिस्सा मैंने पुदीना लिया है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट के ले लिया है और 3 लहसुन की कलियां ले ली हैं। 3 हरी मिर्ची ले ली हैं, 1 चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला ले लिया है। यहाँ मैंने नमकीन सेव लिए हैं, आप कोई से भी सेव ले सकते हैं। इसी से ही चटनी में एक अच्छा गाढ़ापन आएगा। 1 नींबू का रस ले लिया है, सफेद नमक और काला नमक ले लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे रोस्टेड चना लिया है। आप इसकी जगह रोस्टेड पीनट्स भी ले सकते हैं। बस चटनी बनाने के लिए हमें इन्हीं सब चीज़ों की आवश्यकता है। चटनी पीसने के लिए मैंने यहाँ पे मिक्सर जार ले लिया है, तो धनिया और पुदीना को डाल दिया है। आप चाहे तो केवल धनिए से ही चटनी को बना सकते हैं। मिर्ची को मैंने इस तरह से तोड़ के ले लिए हैं। अदरक और लहसुन डाल देंगे जार में। 2 टेबल स्पून चना दाल डाल देंगे। 2 टेबल स्पून ही नमकीन सेव डाल देंगे। दोनों नमक डाल देंगे। ध्यान रखें हम आगे चाट मसाला भी यूज़ करेंगे, तो उसमें भी काफ़ी नमक होता है, तो नमक आप ध्यान से ही डालिए। 1 नींबू का रस डाल देंगे। 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। आधा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो पीसते टाइम हम और पानी डाल देंगे। पानी की जगह आप आइस क्यूब भी डाली जा सकती है, उससे भी एक अच्छा कलर आता है। तो इसे पीस लेते हैं। चटनी पीस के तैयार हो गई है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है चटनी में। और इसकी कंसिस्टेंसी मैं दिखा देती हूँ। देखिए कितनी गाढ़ी बन के तैयार हुई है। ये सैंडविच के लिए एकदम परफेक्ट चटनी है। तो अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। चटनी को गाढ़ा करने के लिए मैंने यहाँ नमकीन सेव लिए हैं, रोस्टेड चना लिए हैं। आप पानी की जगह दही भी ले सकते हैं, उससे भी चटनी अच्छी गाढ़ी होती है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं चटनी को गाढ़ा करने के लिए, आप कुछ भी यूज़ ले सकते हैं। तो इस चटनी को आप सैंडविच या चाट के साथ एंजॉय करिए। और हाँ, आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।